हेलो दोस्तों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है आप अपने पौधे गन्ने या फिर पेड़ी गन्ने में जो है कल्लों की संख्या जो है आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जो है आज किस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, जितने अधिक जो है आपके गन्ने में कल्लों की संख्या होगी उतना ही जो है अधिक आपका जो है उत्पादन आता है। तो कल्लों की संख्या जो है आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जो है आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। किसान भाइयों, इसमें जो है मैं आपको कुछ ऐसी खादों के बारे में बताऊंगा जिनको यदि आप मिलाकर अपने खेत में डालेंगे तो आपको जो है इसके बहुत ही जो है अच्छे जो है परिणाम जो है खेत में देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो पहली खाद है वो है किसान भाइयों आपकी कैल्शियम नाइट्रेट। जी हाँ किसान, कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद है जो कि गन्ने के लिए बहुत ही जरूरी खाद है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक तो कैल्शियम मिलता है तकरीबन 18.5% और दूसरी जो खाद इसके अंदर मिलती है वो होती है नाइट्रोजन, जो कि किसान नाइट्रेट फॉर्म में होती है। कैल्शियम जो होता है हमारे गन्ने में जो है नए नए ऊतक का निर्माण कर यानी कि टिश्यूओं का निर्माण करता है, यानी कि टिश्यू फॉर्मेशन करता है, यानी कि पौधे के जो है नए नए इससे जो है भाग बनते हैं, जिससे जो है गन्ना में जो है नए नई शाखाएं जो हैं बहुत ही जल्दी यानी कि टिलरिंग जो है वो बहुत ही जल्दी जो है पौधों में होने लगती है। तो कैल्शियम जो है तकरीबन आपको 18 से लेकर के 20 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसान भाइयों लगाना है। परंतु आपको यहाँ पे कैल्शियम अकेला ही नहीं लगाना, इसके साथ में जो है आपको तकरीबन 10 किलो जो है सागरिका लेनी है, जो कि इफको की आती है। आप सागरिका इसके स्थान पर ले सकते हैं या फिर आप जो है दंजायम गोल्ड ले सकते हैं या आप बायोविटा ले सकते हैं, जो भी आपके एरिया में आपको सस्ता पड़े। यानी कि तकरीबन आपको जो है 10 किलो सागरिका और इसके साथ में जो है आपको 18 किलो जो है कैल्शियम नाइट्रेट खाद, और इसके बाद में जो है आपको जो तीसरी चीज़ लेनी है वो लेना है आपको ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है आपको तकरीबन 1 लीटर जो है ले लेना है, और इन तीनों को जो है आप आपस में मिलाने के बाद में जो है अपने खेत के अंदर यदि आप लगाएंगे तो इसको डालने के बाद में कोई भी ऐसा कारण नहीं बचता है जिससे आपके गन्ने में टिलरिंग ना हो, क्योंकि ये जो कैल्शियम होगा ये आपके गन्ने की जो है ऊपरी बढ़वार को जो है करेगा। इसके साथ साथ जो आपका किस्म ह्यूमिक एसिड होता है वो पौधों की जड़ों का विकास करता है। जब पौधों की जड़ें पौधे की जब जड़ें अच्छी होंगी वो दूर तक जो है न्यूट्रिशन का जो है यानी कि न्यूट्रेंट का जो है वो अवशोषण करेंगी, यानी कि जो भी आप खाद डालेंगे वो पौधे को अच्छे से लगेगी और जड़ों के माध्यम से जो आपका कैल्शियम है वो पौधे के नए नए जो है भाग बनाएगा यानी कि ऊपरी बढ़वार करेगा। जो आपकी सागरिका है ये किसान इसमें जो है साइटोकाइन हार्मोन होता है और सीवीड होता है, जो कि पौधों में जो है नए नए कल्ले बढ़ाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये तीनों जो हैं आप यदि डालेंगे अपने खेत में तो आपको इसके जो है बहुत ही अच्छे जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आपका दो इसमें होगी ऑर्गेनिक खादें, एक हो गई आपका सागरिका, दूसरी होगी आपकी ह्यूमिक एसिड, और तीसरा जो आपकी खाद है वो केमिकल है वो की कैल्शियम नाइट्रेट है। ये जो फार्मूला है बिल्कुल अजमाया हुआ फार्मूला, इससे जो है बहुत ही बेहतरीन जो है गन्ने में ब्यात देखने को मिलता है। परंतु इसमें शर्त यह है कि आपको जो है अपने गन्ने की अच्छे से निराई गुड़ाई करवानी है, यानी कि आपको जो है अपने गन्ने का विशेष ध्यान रखना, गन्ने में कोई बीमारी ना आए और ना ही आपको आपके गन्ने में ज़्यादा घास होनी चाहिए, तभी जो है आपके खेत में जो है अच्छा ब्यात होगा। यानी कि निराई गुड़ाई पे जो है आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जितनी अच्छे से आप निराई गुड़ाई कराएंगे तो आपके पौधों के आसपास जो है ज़मीन जो है वो हल्का नरम बनी रहेगी, जिससे जो है आपके कल्ले जो हैं पौधों से वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है किसान भाई निकलेंगे। इसके बारे में एक तरीका ये भी है कि यदि आपके गन्ने में बहुत जो है टिलरिंग कम है यानी कि टिलरिंग हुई ही नहीं है, खाली सिंगल सिंगल गन्ना खड़ा है, तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आपका जो पहला कल्ला है गन्ने में यानी कि जो पहला जो कल्ला होता है गन्ने का जिसको हम लोग मदर शूट बोलते हैं, यानी जब गन्ना जमता है उससे जो पहला ही जो कल्ला निकलता है मेन जो ब्रांच होती है इसको जो है आप झटका लगाकर जो है बीच से तोड़ सकते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे ये हमने तोड़ दिया है, इससे होगा क्या कि इसके इसकी ऑप्टिकल जो बड डॉर्मेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिससे जो है पौधा नए नए जो है ब्रांचें नीचे से निकालता है। आप ये खेत में देखते होंगे जो गन्ना आपसे टूट जाता होगा या फिर जिसमें कंसुआ यानी कि अर्ली शूट बोर यानी सुंडी की वजह से जो गन्ना ख़राब हो जाता है, जब गन्ना की ऊपरी जो बढ़वार रुक जाती है तो गन्ना जो है नीचे से कल्ले जो है एकदम से फेंकता है। यानी कि यदि आप मदर शूट तोड़ देंगे तो इससे जो भी जो है आपके गन्ने में बहुत ही अच्छा जो है ब्यात आता है। इसमें जो है आपको खाद भी डालने की आवश्यकता नहीं है, खाली यदि आप मदर शूट तोड़ देंगे तो उससे भी आपके खेत में ब्यात आ सकता है। परंतु आप जो है
यदि आपने बिल्कुल ही जो है व्यर्थ नहीं हुआ तो जो है आप इस विधि को वहाँ अपना सकते हैं। ये तरीका जो मैंने आपको बताया है कैल्शियम और प्लस उसमें सागरिका और उसके साथ साथ जो है ह्यूमिक एसिड यदि आप इसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छे जो है आपको इसके परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। और उसका जो खर्चा है तकरीबन 2000 के आसपास आएगा, क्योंकि जो कैल्शियम आता है यारा का नाइट्रोबोर करके वो 1100 की बोरी इस समय आ रही, पहले महंगी थी, अब उसके जो है थोड़ा प्राइस कम हुए हैं, 1100 की बोरी हमारे यहाँ मिल रही लखीमपुर में। और जो आपका सागरिका है वो 400 से 450 के बीच में मिलती है। इसके बारे में जो आपका ह्यूमिक एसिड है वो भी 350-400 रुपये लीटर मिल जाता है, यानी कि तकरीबन आपका जो खर्चा आएगा वो 2000 के अंदर अंदर ही रहेगा एक एकड़ का। और इसको जो है आपको अपने खेत में लगा देना है, बहुत ही अच्छे जो है आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब आप इस खाद को डालें तो आपके खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप जो है पहले पानी लगा दें उसके बाद में खाद को डाल दें, या खाद डालने के तुरंत बाद जो है अपने खेत में आप पानी चला सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी, यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।